Oh, Big Boss OTT. Well, that's going to be something. Really excited about that. Huge, huge, huge opportunity. And I hope I can really, do you guys proud when I'm on that show. दोस्तों इस बार का बिग बॉस शुरू हो चुका है। बिग बॉस OTT के नाम से शुरू हुआ है ये बिग बॉस। 6 हफ्तों बाद ये बिग बॉस बिग बॉस 15 में तब्दील हो जाएगा, जो कि कलर्स और वुड दोनों पे ही दिखाया जाने वाला है। और अभी बिग बॉस OTT के नाम पे सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म यानी वुड पे ही दिखाया जा रहा है बिग बॉस। और इस बार का बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं करण जौहर। करण जौहर सिर्फ पहले के 6 हफ्ते होस्ट करेंगे और उसके बाद वापस से आएंगे सल्लू भाई यानी सलमान खान। तो ये होस्टिंग के लिए करण जौहर कितना चार्ज कर रहे हैं बिग बॉस से, सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रहस्य लैब में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों इस बार बिग बॉस 1.5 महीने पहले ही शुरू किया गया है, क्योंकि कलर्स टीवी पे बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कि सबसे ज्यादा TRP के साथ साथ सबसे ज्यादा कमाई भी लेके आते हैं पूरे साल में। और ये शो सिर्फ चलता था 3 महीने के लिए, फिर उसे एक्सटेंड करके 3.5 महीना, 4 महीना, यहाँ तक कि 4.5 महीना तक बढ़ाया गया था। लेकिन वो जो एक्सटेंशन होता था, लोग उनसे बहुत बोर होते थे, तो इसलिए बिग बॉस का हाइप बिग बॉस आने से पहले ही शुरू होता है। तो बिग बॉस का जो शेड्यूल स्टार्ट होता है यानी अक्टूबर के महीने से, उससे 1.5 महीने पहले बिग बॉस लॉन्च कर दिया गया है, और बाद में 1-1.5 महीना आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो टोटल 6 महीने का ये शो आप पकड़ लीजिए इस बार। तो बिग बॉस जो अब वुड में दिखा जा रहा है, इससे जो इनकम आएगा वो इनकम कलर्स टीवी की तरह उतना इनकम नहीं दे पाएगा, क्योंकि टीवी में बहुत ज्यादा लोग देखते हैं बिग बॉस, तो इसके लिए कॉस्ट कटिंग भी जरूरी था। तो सलमान खान यहाँ पर आते तो कॉस्ट कटिंग की जगह बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा लग जाता मेकर्स को, तो इसलिए वे लोग सोच रहे थे कि किसको लाया जाए सलमान खान की बराबरी करने के लिए। सलमान खान की बराबरी शाहरुख खान या फिर आमिर खान ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उतना बजट तो नहीं था बिग बॉस में। तो बिग बॉस में सबसे पहले शुरू किया था होस्ट खोजना, तो होस्ट के लिए वे चुने थे सीधा शुक्ला और शहनाज गिल को। लेकिन आप जानते ही हैं सीधा शुक्ला और शहनाज गिल का दूसरा जो शो है वो उतना होस्टिंग या फिर नॉर्मल बजट से नहीं चला था, तो मेकर्स के जहन में आया था रोहित शेट्टी, लेकिन रोहित शेट्टी ऑलरेडी कलर्स टीवी पे करते हैं खतरों। तो बिग बॉस वाले ने करण जौहर से अप्रोच किया, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्टेस्टेंट आते हैं वे लोग होते हैं कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर। तो अब अगर कंट्रोवर्शियल होस्ट को लाया जाए तो सलमान खान नहीं, सलमान खान जैसा बराबरी तो हो सकता है। और आप जानते ही है करण जौहर की कंट्रोवर्सी, जी हाँ, कंट्रोवर्सी से घेरे रहते हैं हमेशा करण जौहर। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में करण जौहर के साथ क्या हुआ था हम सब लोगों को ही पता है। तो करण जौहर भी एग्री थे यहाँ पर काम करने के लिए, और उनका जो ब्रांड इमेज है वो ठीक ठाक भी हो जाएगा बिग बॉस में, क्योंकि बिग बॉस भी एक कंट्रोवर्शियल शो है। तो कंट्रोवर्सी, बिग बॉस, करण जौहर सब लगभग एक ही तरह के हैं, और इसीलिए बिग बॉस वाले को भी ज्यादा मोलभाव नहीं करना हुआ करण जौहर के साथ। और करण जौहर भी बिग बॉस से सैलरी ठीक ठाक ही ले रहे हैं, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। और करण जौहर डिमांड किए थे 50 लाख रुपए पर वीक, और पर वीक में एक ही एपिसोड आता है, आप जानते ही है संडे में, जो कि वीकेंड का वार होता है। तो पर एपिसोड या आप कह सकते हैं पर वीक करण जौहर को मिलने वाला है 50 लाख रुपए एज ए होस्ट। हालांकि रोहित शेट्टी को अगर बिग बॉस के लिए अप्रोच किया जाता तो रोहित शेट्टी शायद 60 से 65 लाख रुपए ले ही लेते, क्योंकि रोहित शेट्टी ऑलरेडी खतरों के खिलाड़ी करते थे और उनका ब्रांड इमेज भी बहुत ही उम्दा है। तो चलो भाई, बिग बॉस के लिए भी ठीक है, करण जौहर के लिए भी ठीक है, लेकिन दर्शक लोग नहीं मान रहे, और यही तो चाहते हैं बिग बॉस, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी। खैर दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, करण जौहर बिग बॉस के लिए यानी बिग बॉस के होस्टिंग के लिए परफेक्ट है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।